बारे में बताया गया था। आज जो है भस्म के बारे में जानेंगे। भस्म को अंग्रेजी में देश कहा जाता है, भस्म को अंग्रेजी में देश कहा जाता है। पुरानी विचारधारा के अनुसार भस्म वैसे पदार्थ को कहते हैं, पुरानी विचारधारा के अनुसार भस्म वैसे पदार्थ को कहते हैं जो पाग में कड़े होते हैं और लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। भस्म वैसे पदार्थ को कहते हैं जो स्वाद में कड़वे होते हैं, स्वाद में कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं और लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड जिसका सूत्र होता है NaOH, पोटासियम हाइड्रा ऑक्साइड KOH, कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड CaOH2, मैग्नीशियम हाइड्रा ऑक्साइड MgOH2, अल्मुनियम हाइड्रा ऑक्साइड AlOH3, अमोनियम हाइड्रा ऑक्साइड NH4OH etc. ये सब क्या है, भस्म है। आधुनिक विचारधारा के अनुसार भस्म वैसे पदार्थ को कहते हैं, आधुनिक विचारधारा के अनुसार भस्म वैसे पदार्थ को कहते हैं जो जल में घुलकर हाइड्रा ऑक्साइड आयन यानी OH- आयन प्रदान करते हैं। आधुनिक विचारधारा के अनुसार भस्म वैसे पदार्थ को कहते हैं जो जल में घुलकर हाइड्रा ऑक्साइड आयन प्रदान करते हैं, जैसे NaOH, H2O, Na+, OH-, KOH, H2O, K+, OH-, CaOH2, H2O, Ca+2, 2OH-, MgOH2, H2O, Mg+2, 2OH-, AlOH-3, H2O, Al+3, 3OH-, NH4OH, H2O, सभी देख रहे हैं कि जल में घुल करके हाइड्रा ऑक्साइड यानी OH- आयन प्रदान करते हैं, इसलिए ये सभी भस्म के सामान्य उदाहरण है। भस्म के सामान्य उदाहरण है। प्रथम दो यानी अम्ल वैसे भस्म जो जल में घुलकर संयोग हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं, सबल भस्म कहलाते हैं। वैसे भस्म जो जल में घुलकर संयोग हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं, सबल भस्म कहलाते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड पोटासियम हाइड्रा ऑक्साइड सबल भस्म है।
कारण यह दुर्बल भस्म कहलाता है। कौन भस्म कहलाता है? दुर्बल भस्म। वैसे भस्म जो जल में घुलकर पूर्णतः हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करते हैं सबल भस्म कहलाते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सबल भस्म के समान उदाहरण। वैसे भस्म जो जल में घुलकर आंशिक रूप से हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करते हैं तो वैसे भस्म को दुर्बल भस्म कहते हैं। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब आइए कि जल में घुलनशील भस्म को क्षार कहते हैं। जल में घुलनशील भस्म को क्षार कहते हैं। अंग्रेजी में अल्कली कहते हैं। जल में घुलनशील भस्म को क्षार कहते हैं और अंग्रेजी में क्षार को अल्कली कहा जाता है। जल में घुलनशील भस्म को क्षार कहते हैं और सभी क्षार भस्म होते हैं लेकिन सभी भस्म क्षार नहीं होते। सभी क्षार भस्म होते हैं लेकिन सभी भस्म क्षार नहीं होते। अब आइए कि भस्म के गुण। भस्म के निम्नलिखित गुण है। पहला गुण है कि भस्म स्वाद में कड़वे होते हैं। भस्म स्वाद में कैसे होते हैं? स्वाद में कड़वे होते हैं। भस्म का पहला गुण है स्वाद में कड़वे होते हैं। दूसरा गुण है भस्म का जलीय विलयन विद्युत के चालक होते हैं। भस्म का जलीय विलयन विद्युत के चालक होते हैं। विद्युत के क्या होते हैं? चालक होते हैं। भस्म का जलीय विलयन विद्युत के चालक होते हैं। तीसरा गुण भस्म लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। भस्म जो है लाल लिटमस पत्र को कैसा कर देता है? नीला कर देता है। चौथा गुण है भस्म अम्ल से अभिक्रिया कर लवण एवं जल का निर्माण करते हैं। भस्म अम्ल से प्रतिक्रिया कर भस्म अम्ल से प्रतिक्रिया कर लवण एवं जल भस्म जल से अभिक्रिया कर भस्म अम्ल से अभिक्रिया कर लवण एवं जल बनाते हैं। चौथा गुण क्या बताएं कि भस्म अम्ल से
धर्म का ये चुना सात से अधिक होते हैं, सात से अधिक होते हैं, भस्म का पीएच मान सात से अधिक होते हैं। छठा गुण है कुछ धातु जैसे जिंक और एल्युमिनियम, कुछ धातु में जिंक और एल्युमिनियम, जिंक और एल्युमिनियम भस्म से अभिक्रिया कर के अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं, हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। कुछ धातु में जैसे जिंक और एल्युमिनियम भस्म से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। तो ये आपका भस्म के गुण बता दिए, भस्म के गुण बता दिए। यदि आपको हमने बताए भस्म का पुरानी विचारधारा, भस्म का आधुनिक विचारधारा और श्रवण भस्म, दुर्बल भस्म, छाप और भस्म के सामान्य गुण। अब अगले क्लास में लवण के बारे में पढ़ेंगे।